सो गाइज आई हैव स्टार्टेड दिस अगेन पूजा के साथ ही, क्योंकि वॉइस क्वालिटी इशू आ रहा था, कोई वॉइस नहीं उनकी आ रही थी। सो पूजा के साथ मैं दोबारा कनेक्ट करी हूँ। अभी आप सब भी आ जाइए। तो बात हो रही थी साइड इफेक्ट से, तो हेयर फॉल थायराइड की बात हुई, फिर हेयर फॉल की बात हुई कि हेयर फॉल इज़ वेरी कॉमन, अगर होता है आपको तो थायराइड भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है ट्रीटमेंट के दौरान। और एक और बात आई गैप की, दांतों में गैप भी पड़ जाता है। पूजा आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको ज्वाइन करवा देती हूँ। और तब तक मैं अपनी फिल्टर लगा देती हूँ। फिल्टर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, बोरे नहीं होना भाई मेरे को। इंस्टाग्राम से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा फिल्टर, नॉर्मल वाला फिल्टर बना दो ना, या हर फिल्टर में गोरा कर देते हो, गोरा करने के अलावा कुछ नहीं। अरे पूजा का आ गया, मैं उसको छोड़ो अब। पूजा आ जाइए, बहुत गोरा, बहुत ही ज्यादा गोरा, क्वाइट नॉर्मल। पूजा हेलो पूजा, अब आपकी आवाज आ रही है फाइनली, बट आपका नेटवर्क इशू आ रहा है गेस। हेलो नॉर्मली अच्छे लग रही हूँ मैं तो। नॉर्मली अच्छे लग रहे हैं, मेरे को भी फिल्टर अच्छा नहीं है, बहुत गंदे फिल्टर है इनके। एक भी नहीं अच्छा आ रहा फिल्टर। तो हाँ, हम कर रहे थे बात साइड इफेक्ट की। तो बात पहले हेयर फॉल की हो रही थी, तो हेयर फॉल तो बहुत ही मतलब कॉमन भी रख लो, पर कईयों को नहीं भी होता है। आपका यही गया ना, मेरा तो पूरा झड़ गया था ये, मतलब ये तो अभी चलो है, पहले सारा कुछ झड़ गए थे बाल, 90% हेयर फॉल हो गया था, तो वही चीज है। और दांतों में गैप आ रही है, रेमेडी बहुत सारे यूज कर रही हूँ, इतना फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या क्या यूज किया, कितने पैसे खर्चे, मैंने फर्क नहीं पड़ता है। अंटिल एंड आपकी दवाइयां नहीं खत्म होती ना, कितना फर्क पड़ेगा, बट जो एक्चुअल में फर्क पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है, वो जब दवाइयां खत्म होती तभी पड़ता है जी। ये तो है। उसके अलावा दांतों में गैप आ जाता है, मेरे बहुत आ गया, मैंने मतलब मेरे भी बहुत आ गया था, मैंने मतलब उस टाइम भी नोटिस किया, बट उसके एक साल बाद मैंने काफी नोटिस होने लगा, बड़ा गैप मेरे दांतों में, और यहाँ से साइड से अंदर से ना ब्लैक भी हो गए थे वो, क्योंकि मेडिसिन की वजह से। मैंने फिर कैपिंग करवाया था, तो कैपिंग तो करवा लिया पर फिर गैप पड़ गया इसमें। तो ये भी ऐसा, ये भी अलग सा अपना साइड इफेक्ट है अपनी तरह का, कि दांतों में गैप पड़ जाता है। मुझे पड़ता है ये थायराइड की वजह से मैंने पढ़ा, मतलब कि वो थायराइड की वजह से जो अपन मेडिसिन लेते हैं ना, उसकी वजह से। मेरे फैमिली में तो थायराइड किसी को भी नहीं है, फिर भी मुझे थायराइड हो गया। ये तो हो जाएगा ठीक है, ये नहीं है कि आपका रहेगा ही रहेगा, ये थायराइड हमेशा ही रहना है आपको, आपका हमेशा रहेगा खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि मैंने अभी मतलब समथिंग 4-5 महीने हो गए मैंने थायराइड की गोली पूरी बंद कर दी। नहीं, अगर आपको है प्रॉब्लम तो अभी तो आप लो थायराइड की गोली, जब ट्रीटमेंट के दौरान तो मेरा मतलब जैसा कि 8 पॉइंट पे नॉर्मली अपना 4 पॉइंट का रहता ही है थायराइड, नॉर्मल ही है। अगर अपन नॉर्मल का भी अगर हाँ नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं है नॉर्मल तो ले लो, अगर उसके अलावा जो आप कोई होम रेमेडी है वो ट्राई कर लो, अगर आपका बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस है तो होम रेमेडी ट्राई कर लो आप भी, नहीं मैंने कोई मतलब प्रॉब्लम जैसे नहीं ब्लड रहेगी। टेस्ट करवाती हूँ तो उसमें मैं थायराइड का करवाती ही करवाती हूँ, तो अभी तो मेरा सब थायराइड में भी नॉर्मल आ रहा है, 8 पॉइंट ही आ रहा है। फिर तो बेटर है, फिर अच्छी बात है कि आपका नॉर्मल आ रहा है, और बाकी आपका ट्रीटमेंट के बाद तो हो ही जाएगा। बाकी आप जो जैसे टीवी वॉरियर्स हैं उनको मतलब मैंने देखा आपको, बात करके मुझे काफी अच्छा लगा आपसे, आप मतलब खुश रह रहे हो, अच्छी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई ऐसा खुश रहता
हर कोई अपनी सिचुएशन पे जैसे रोकता रहता है। मैंने अभी कविता से भी बात की, शी इज स्टार्टिंग वेरी में वेरी मतलब नहीं, इसमें होता ही है। स्टार्टिंग में मैं खुद बहुत ही रोई थी, मतलब रोती रहती थी। घर वाले भी हार गए थे, हिम्मत, तू अगर ऐसी रोएगी तो हम कैसे हिम्मत पकड़ेंगे, हम है ना। मतलब आखिर में ऐसे बोल रहे थे कि भाई इसका कोई ऑपरेशन नहीं है क्या, मुझे फेफड़ा बदल दो, मेरे को दूसरा लगा दो, मतलब ऐसे ऐसे अच्छा। बोलते थे घर में, क्योंकि बहुत परेशान हो गई थी इंजेक्शन से। हमारे जैसे मेरे सास है ना, वही लगाते थे मुझे इंजेक्शन, मुझे दूसरे के अच्छा पास मतलब नहीं जाते थे वही। फिर आखिरी आखिरी में उनके भी आंखों में से आंसू आने लग गए थे कि जगह ही नहीं है, देख लगाऊं तो कहाँ लगाऊं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। बट आपने ना काफी, मतलब मैंने जैसे स्टोरी सुना था तो आपने काफी मतलब झेला हुआ है, बट आप अब ऐसे फेस पे जो जहाँ पे मतलब एक टनल होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टनल है, अंधेरा है, आप उस चीज को पार करके अब आप आगे निकल गए हो। अब बस आगे मतलब अच्छा ही फ्यूचर है, सब कुछ अच्छा ही है और सब सही रहेगा अब आगे तो। बस बस खुश हाँ, रहना अब पर तो बोलते हैं कि ये बीमारी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। और मैंने ऐसे केसेस मतलब मैं बचपन में मैंने देखा था, जैसे मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली में उनकी गुड़िया भी डेथ हो गई थी, और उसके जस्ट 2 महीने बाद अंकल की भी डेथ हो गई थी। तो उस समय का मतलब मेरे को एकदम से सडनली ध्यान आया कि भाई इसमें ऐसा होता है, इंसान नहीं, मतलब डेथ हो जाती है। डेथ की बात तो, डेथ की तो कैसे भी हो सकती है किसी की, वो तो नहीं हम बता सकते। लोग कैंसर हाँ होता तो लोग कैंसर से भी जाते हैं, इतनी खतरनाक बीमारी है, लोग बचने वाले उससे भी बच जाते हैं, पर कोई बिल्कुल मरने वाला बिल्कुल तो सिंपल से मर जाते हैं। तो जिसकी डेथ होनी है, जब होनी है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट हम हाँ, अगर हमें टीबी हुआ है तो हम अपनी कोशिश कर सकते हैं कि हम अगर क्योर होने वाली चीज है तो क्यों ना हम ट्राई करें, सीधी सी बात है। बिल्कुल 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 नहीं भी होने वाली चीजें 1% में अगर आपको लगता है ना कि चांस है, ठीक है, वहां पे हमेशा हमेशा मतलब ट्राई करो अपना। और ये एक मान लो बुरा फेज है, पर बुरा फेज हमेशा जो है बुरा नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, एक लर्निंग फेज की तरह रखो। आप पता है क्या होता है, जैसे टीबी हुआ ना, तो टीबी से पहले हम कुछ डिफरेंट पर्सन थे, पर जैसे टीबी होने के बाद हमारी थिंकिंग में, हमारी मेंटेलिटी में मतलब काफी चेंज हुए, बॉडी में चेंज हुआ, हमारी सोच भी बदली, हमारे चीजों को देखने का नजरिया भी बदला, तो बिल्कुल ये चीज बिल्कुल होती है। हाँ। अब आप देखना कि आप पहले जो जैसे थे आप नहीं। अपन दूसरी बीमारियां देखते कि भाई कैंसर है, मतलब ये दूसरी दूसरी बीमारी, ठीक है उससे अच्छा था हमारी, भाई हम हो जाएंगे अच्छे। मतलब दिमाग में अभी मेरा तो यही है कि इतने लोग इतनी बीमारी से लड़ सकते हैं, मैं तो नॉर्मल हूँ। और ज्यादातर मेरे मतलब जैसे कि बेड़ाखुली स्टार्ट करी, इंदौर में करी थी मुझे, इंदौर में डॉक्टर ने बोला था 40 डेज वहां पर रखना था, लेकिन मैंने जो हॉस्पिटल का जो देखा था उसमें बोला मतलब मैं घर पे मर जाऊंगी लेकिन मैं अभी हॉस्पिटल में नहीं रुकूंगी। डायरेक्टली डॉक्टर भी बोले तुम आधा घंटा मतलब डिस्कशन कर लो क्या है क्या नहीं, क्योंकि बेड उस समय खाली भी नहीं थे वार्ड में। तो फिर डॉक्टर फिर मुझे हमारे जो ड्राइवर थे वो समझाते थे, बोले भाभी अपन कहाँ कहाँ नहीं घूमे, अहमदाबाद जाके आए, महाराष्ट्र लिए, रतलाम में करा, बोले ये फिर गुड़िया के लिए देखो, फिर सोचा सोचा फिर मतलब चलो डन। फिर गई और मतलब उसी रात को ब्लड टेस्ट करवाई थी, क्योंकि अपन हॉस्पिटल में जाते थे वो पूरी बॉडी का चेकअप करवाते कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने टेस्ट करवाया तो उस दिन तो कुछ गोलियां नहीं दी थी मुझे, और मैंने हॉस्पिटल में जाके देखा मतलब यार मैं अच्छी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रही। मैं बेटर हूँ, मैं अच्छी जगह हूँ, वही सोच रखनी चाहिए कि भगवान ने सब दिया हुआ है और कुछ लोग आता है तो कर लो, क्योंकि तो हम कर बिल्कुल सकते हैं ना, कि बिल्कुल कुछ अगर हमें कोई चीज टीबी हमें हुआ है तो ये सोचना चाहिए कि हमें इसलिए हुआ क्योंकि हम इस चीज को झेल सकते हैं, है ना, तो इसीलिए हुआ चीजें अपन एक भी। नॉर्मल, मेरे को तो ये लग रहा था कि भाई मैं घूम रही हूँ, बोल भी रही हूँ, मेरे हाथों से खाना खा रही हूँ, सब कर रही हूँ, और लोगों को देख के बाप रे बाप इतनी खतरनाक। और मैं सबके पास फिर बेड में जा जाके सबसे पूछ रही थी आपको कब हुआ था, फिर कौन सी दवाई ली। फिर मेरे घर वाले मतलब मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ में, वो बोले तो तू यहाँ के अलग ही रूप दिखा रही है तेरा, मतलब मुझे लग रहा है बहुत अच्छी हो गई। नहीं वो सही चीज है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए हमेशा ही ना, वो चीज है। बहुत। और मेरा बस यही था कि अगर मुझे ये हुआ है
और मुझे मेरी फैमिली में किसी को ना हो। नहीं होगा, नहीं होगा, बस अब आप ठीक हो रहे हो, आप ठीक हो जाओ, बस वही है। और ये मतलब समझ लो चार, चलो चलो पूजा, अब हम चलते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी आपका मुझे ट्रीटमेंट चल भी रहा है, जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म होता है हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल अगर किसी को आपकी हेल्प की जरूरत हो, अगर कोई भी आपके हेल्प मांगता है, या मेरे पास नहीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर होते हैं तो मैं आपसे भी पूछूंगी। हम दोबारा बाद में कनेक्ट करेंगे, जब भी अभी और लोगों का भी ट्रीटमेंट खत्म होगा, हम सारे भी कनेक्ट कर सकते हैं इकट्ठे। काफी मजा आता है कि सब एक साथ इकट्ठे हों, क्योंकि हम सबकी जर्नी सिमिलर रहती है, तो जी। इसीलिए। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं, ठीक बिल्कुल है, ओके, बिल्कुल बाय। ओके बाय। सो गाइस, मेरी पूजा से बात हो गई है, और आई होप उनकी जर्नी, मतलब हमें लगता है कि हमारे डिफिकल्ट है, नहीं, हमसे ज्यादा किसी और का भी डिफिकल्ट है। सो अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपना मेडिसिन टाइम पे खाइए, और हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ, कविता कर सकती है, पूजा कर सकती है, सुमित कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। पर जो अभी ट्रीटमेंट पे है, तो अपना अपने आप को एंजाइटी होती है, कुछ डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। मैं सारी वीडियोस में यही कहती हूँ, और मैं इसमें भी यही कहूंगी कि बिजी रखिए, क्योंकि अभी जितना भी वक्त, थोड़ा बहुत जितना भी बचा, वो ऐसे ही निकलेगा। और एक क्योरेबल है टीवी, इसको ये मत सोचिए कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, आप ठीक हो सकते हैं। जब हम सब ठीक हो सकते हैं, हम अपनी लाइफ नॉर्मली लीड कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। सो गाइस, अब मिलती हूँ मैं अपनी अलग वीडियो में, अभी लाइव सेशन ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी दोनों का। सो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं और वीडियोस बनाने में, और लोगों से कनेक्ट होने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन, मैं भी, मतलब अगर मैं कुछ काम करती तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है समटाइम्स, मैं भी हो जाती हूँ। तो मोटिवेशन के लिए ही, मेरी मोटिवेशन के लिए, तो जो मेरी मोटिवेशन जो है आप है, आपके लोगों की मोटिवेशन मैं हूँ, कविता है और सारे हैं, पर मेरी मोटिवेशन जो है आप लोग हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे वीडियोस को, कमेंट्स करोगे, तो मुझे पता चलेगा आपको पसंद आ रही है, मतलब मुझे रिएक्शन मिलेंगे आप लोगों के। सो गाइज, प्लीज 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 जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मेरी इंस्टा आईडी आपको पता ही है, MDR_survivaljourney, और यही मेरे YouTube चैनल का नाम भी है, MDR_survivaljourney। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बंद कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, बस, बाय बाय।